और अगर सही तरह से सरकार की नीतियां होती है ना, तो वो पैसे आपके जेब में वापस डाले जाते हैं। कैसे? स्कीम्स बनाकर, किसानों की मदद करके, महिलाओं की मदद करके, मजदूरों की मदद करके, रोजगार दिलवा के, इसी तरह से पेंशन दे के, इसी तरह से तो आपके पैसे आपके जेब में वापस आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? आपके जेब से निकाल रही है और लूट रही है, भ्रष्ट है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपकी संपत्ति दे रही है। और ये मत समझिए कि सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, ये इनकी नीति है, ये भाजपा की नीति बन गई है। 10 सालों से मोदी जी की सरकार है। आप 10 सालों में आप बताइए, ये कहते हैं ना, आपको ये कह रहा था 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, मोदी जी स्कूल गए तो 70 सालों में अगर स्कूल नहीं था तो मोदी जी स्कूल कैसे गए? स्कूल भी कांग्रेस ने ही बनाया होगा, सही बात है। कह रहे थे कि कॉलेज भी कांग्रेस ने ही बनाया हुआ होगा जिसमें मोदी जी पढ़े। अब मुझे नहीं मालूम वो कॉलेज गए थे कि नहीं, लेकिन वो जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस का उनका जो सर्टिफिकेट था ना, वो जरूर कांग्रेस के दिए गए कंप्यूटर पे छपा होगा। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थी और वो कंप्यूटर थे और वो कंप्यूटर लाना चाह रहे थे देश में, तो विरोध किसने किया? भाजपा ने किया कि भाई ये सब नहीं चलेगा देश में। आज देखो देश तकनीक में आगे कैसे बढ़ गया है, उसकी वजह से। क्योंकि बहुत सालों पहले, दशकों पहले किसी की सोच थी, अगर आज देश में IIM है, IIT है, एम्स जैसे बड़े अस्पताल हैं, किसी की सोच थी, नेहरू जी की सोच थी कि हम ऐसे ऐसे संस्थान बनाएंगे जिससे दशकों बाद लोगों का लाभ होगा, जिससे देश आगे बढ़ेगा।